हेलो फ्रेंड, आज हम एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर चैप्टर्स के कुछ और क्वेश्चंस लेंगे जो काफ़ी बच्चों को डिफिकल्टी होती है उसमें। तो स्टार्ट करते हैं। हम चार क्वेश्चन लिया है मैंने, जिसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तीन में और एक सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 के पावर 5 एक्स डिवीजन 2 के पावर एक्स। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 2 के पावर 5 एक्स अपॉन 2 के पावर एक्स इक्वल 5 2 पावर 20। इसे हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 एक्स माइनस एक्स, और इसको भी पावर के टर्म में लिख देते हैं, तो 2 के पावर 20 इंटू 1/5 हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा इधर, बेस 2 के पावर 2 बेस 2 है, तो 2 के पावर 4x इक्वल 2 के पावर 5 से कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 4। अब 2 के पावर 4 और x 2 के पावर 4, हम बेस क्या ले लिए 2 के पावर 4, तो अब इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू 1। दिस इज द आंसर। सिंपल 4 स्टेप्स में हो गए क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 0.001 की पावर 1/3। इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। इसे हम सबसे पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 1000 1/3 इक्वल 1/10 के पावर 3 और 1/3 तो इक्वल 1/10 के पावर 3 इंटू 1/3। तो ये कैंसिल होकर क्या जाएगा 1/10। दिस इज द आंसर। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन ये है 3 के पावर 5 5 के पावर 2x 3 के पावर 2x इंटू दिस। तो हम इसको कैसे सेपरेट करके लिख सकते हैं, इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 3 के पावर पहले हम सेपरेट करेंगे, 3 के पावर x 5 के पावर 2x अपॉन 5 के पावर x 3 के पावर 2x इक्वल 125/27। ओके, तो अब हम इसे लिख सकते हैं 3 के पावर x माइनस 3 के पावर 2x अपॉन 5 के पावर x माइनस 2x इक्वल 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 3 5 जो 25 5 जो 125। तो 3 और ये है 3 3 3 जा 9 3 9 3 जा 27। अब हम इसे क्या करते हैं, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा x माइनस 2x माइनस x, और 5 के पावर क्या हो गया माइनस x इक्वल 5/3 3/3। 3 के पावर माइनस x है तो हम इसे जस्ट रिवर्स कर देंगे, तो नीचे आने पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 5 के पावर x और ये हो जाएगा 3 के पावर x 5 के पावर 3 3 के पावर 3। अब हम इसे क्या लिख सकते, 5/3 को बेस बना लेंगे और ये x हो जाएगा, तो 5/3 के पावर 3। तो बेस मेरा दोनों तरफ 5/3 हो गया, तो अब हम x को इक्वेट कर देंगे, आंसर आ गया 3। सिंपल। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या था, इसको सिंप्लीफाई करना। हमें पता है x के पावर 0 इक्वल 1 होता है, तो 3 के पावर 0 इक्वल 1 होगा, 0.6 के पावर 0 इक्वल 1 होगा, ठीक है, सबके पावर 0 1 होता है। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। एक और चीज, x की पावर अगर माइनस 1 है तो इसे हम लिख सकते हैं 1/x। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 0, तो स्टार्ट करते हैं, तो ये 0.6 के पावर 0 है, तो ये 1 हो गया, माइनस 0.1 के पावर -1 है, जस्ट ये रिवर्स हो जाएगा। और इसी तरह ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3/8 के पावर 1 है, और ये है 3/2 के पावर 3 प्लस, इसको जस्ट रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 1/3।
ठीक है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/10 के पावर 1 था और ये नीचे था तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, 8 के पावर 3 × 3 के पावर 3 2 के पावर 3 + 1/1/3 है तो ये जस्ट हो जाएगा -3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये -1 है तो हो जाएगा 1 - 10/8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 × 3 के पावर 3 2 के पावर 3 और ये -3 तो 2 के पावर 3 कैंसिल हो गया 2 के पावर 3 से। अब ये हो जाएगा 1 - 10 क्या हो गया -9 और 3 के पावर 3 - 1 नीचे 3 था और ये -3 -9/9 3 के पावर 2 बचा तो वो हो गया 9 9 - 3 तो दिस इज द आंसर 6। सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आ गया 3/2। दिस इज द आंसर। थैंक यू।